आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? एक बार सभी लोग भाई थंबनेल कर दीजिए कि मुझे ये पता चल जाए कि यस मेरी आवाज आ रही है। एक बार सभी लोग बता दीजिए, उसके बाद फिर हम चलेंगे टॉपिक की तरफ। और कल की तरह आज भी हम आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन कल और आज में बस एक जरा सा डिफरेंस है। कल हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो हमारा हिंदी का था, लेकिन आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन होगा। तो बताओ, तैयार हो सभी लोग क्वेश्चंस के लिए? बताइए जल्दी से, क्वेश्चन के लिए सभी लोग तैयार हो? फटेफट आज देखते हैं कितना क्वेश्चन करते हो, कैसे करते हो, कितने अच्छे से करते हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन के लिए एक नंबर रहेगा, और गलत क्वेश्चन करोगे तो -4 करेंगे सबका। तो अपने हिसाब से सब जान लीजिएगा कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो और कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। और जो भी उनसे रिलेटेड बातें होगी वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपका वो क्वेश्चन तो तैयार ही हो, उन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी बातें आपकी तैयार हो। तो चलिए फिर, और पढ़ाई लिखाई भाई सभी की कैसी चल रही है? पढ़ाई लिखाई अच्छी? चलो पहला क्वेश्चन हमारा है। मान लो एक आप क्या हो, एक अध्यापक हो। ठीक है, अध्यापक की दृष्टि से कि ऐसा इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा कथन है जिसको आप सबसे अच्छा मानोगे? गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है इसको मानोगे? कुछ बच्चे सीख सकते हैं इसको मानोगे? अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं आप इसको एक अच्छा मानोगे कथन, कि बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं आप इसको मानोगे? जल्दी से आंसर करिए फटाक से। एक अध्यापक हो आप, ठीक है, अध्यापक की दृष्टि से आपका वो कौन सा कथन होगा जिससे ये होगा कि जिसको आप सबसे अच्छा कथन मानोगे? मुझे तो लगा भाई आज पहले ही क्वेश्चन में मुझे 100% वाला वो मिलने वाला है क्या। मैं तो भाई बहुत चौंकी थी इस बात से। नहीं, सी वाले का मैं मान रही हूँ, सी वाले का गलती से लग गया है आंसर, वरना सी वाला भी गलती से आंसर नहीं करते है ना। सी वाले ने गलती से आंसर लगा दिया। गुड इवनिंग बच्चा लो, गुड इवनिंग। तो आप सभी ने कहा, देखो एक अध्यापक होता है, अध्यापक के लिए क्या होता है? अध्यापक ये जानता है कि हर एक बच्चा सीख सकता है। अध्यापक के लिए तो यही है ना कि हर एक बच्चा, गुंजन, सत्यम और आरती, भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले हैं। अब देखिए जितना अच्छे से आंसर करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो क्या है उसके लिए, मतलब हर एक बच्चा सीख सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई कोई बच्चा सीख पाएगा कोई बच्चा नहीं सीख पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन करता है एनसीएफ 2005, जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, एनसीएफ 2005 है, उसके अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में गणित की रुचि पैदा करना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता विकास करना। लास्ट वाला मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा और मुझे आंसर जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? क्या बात है भाई, आज तो लग रहा है कि मेरा खुश कर दोगे तुम लोग। गुड, बहुत अच्छा। क्या बात है भाई, आज तो 82% लोगों ने इसका आंसर एकदम से सही दिया है। हमारा जो एनसीएफ है, एक बात जान लीजिएगा, एनसीएफ हमेशा किस बात को जोर देता है? कोई भी आपका पेडागॉजी सेशन है, अगर एनसीएफ को लेकर बात कही जा रही है तो आप ये मान के चलिएगा वो करके सीखने पर जोर देता है। मतलब कोई चीज होगा कि आप में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना, आप में आपके समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, करके सीखने पर क्या करता है, ये जोर देता है। जरा मुझसे एक बार फिर से एनसीएफ के क्वेश्चन फटेफट बता दीजिए, क्योंकि सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीएफ में अगर हम बात करें तो अध्याय कितने हैं बताइए जल्दी से? एनसीएफ में कितने अध्याय थे? जितने लोग आंसर बता सकते हैं वो बताएं जल्दी से। एनसीएफ में जो अध्याय थे वो कितने अध्याय थे? इसमें तो 5 अध्याय थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा एनसीएफ में परिशिष्ट कितना था, अगर आपसे क्या पूछा जाएगा एनसीएफ में परिशिष्ट कितने थे, तो आप बताओगे कि एनसीएफ में 2 परिशिष्ट थे। एनसीएफ में अध्याय कितने थे? तो 5। परिशिष्ट कितने थे? तो आप बताओगे 2। अगर आपसे पूछा जाएगा कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तब कितना बताओगे? जल्दी से बताओ, सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाए हैं।
अगर आपसे पूछ लेगा कि एमसीएफ में कुल सदस्य कितने हैं, तो आप बताओगे कुल सदस्य कितने हैं, 38 हैं, जिसमें से क्या होता है, तीन सदस्य जो हैं वो किसकी तरफ से हैं, इसमें से तीन सदस्य जो हैं वो किसकी तरफ से हैं, एनसीईआरटी की तरफ से हैं, ठीक है। 35 प्लस 3, 35 सदस्य आपके जो है जो पाल समिति है उनके सदस्य हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि संचालन समिति के अध्यक्ष कितने थे, तो आप संचालन समिति अगर लिखा रहेगा तब तो आप लगाओगे 35 सदस्य थे, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कुल सदस्य कितने थे, तो आप बताओगे 38 सदस्य थे, क्योंकि इसमें से तीन किसके सदस्य हो गए थे, एनसीईआरटी के। अगर आपसे पूछा जाएगा किसने अध्यक्षता की थी, तो प्रोफेसर एसपाल का नाम बताओगे, मैंने आपके उसकी क्लास भी ली है, प्रोफेसर एसपाल ने एनसीएफ की अध्यक्षता की थी। किसके लेख पर ये आधारित है, तो आप रविंद्रनाथ टैगोर के लेख पर ये आधारित है, ठीक है। क्या नाम है उस लेख का, अगर कभी आपसे ये पूछा जाएगा तो क्या नाम है उसका, सभ्यता एवं प्रगति, सभ्यता एवं प्रगति, ये बच्चा उसका क्या है, उसका नाम है, ठीक है। कितने भाषाओं में अनुवादित है, तो संविधान की जितनी भी भाषाएं हैं, मतलब 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है हमारे एनसीएफ का। अगर आपसे पूछा जाएगा एनसीएफ का जन्म कब हुआ था, ठीक है, 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, जन्म कब हुआ था, तो क्या बताओगे एनसीएफ का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताओ। अगर आपसे एनसीएफ का जन्म पूछा जाएगा तो 14 से लेकर 19 जुलाई 2014 में इसकी बैठक हुई थी, जहां से एनसीएफ का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मैंने सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाए हुए हैं, सारे एक एक पॉइंट्स मैंने पढ़ाया है, स्पेशल क्लास में भी पढ़ाया है, और आपके जो वहां पे आपकी क्लासेस होती है प्लस क्लास में, तो मैंने एकदम रटवा ही दिया है एनसीएफ को लेकर जो भी बातें कही गई है, ठीक है। और अगर आपसे कभी भी सिद्धांत पूछा जाएगा किसमें इसमें कितने मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए थे, तब भी आप बताओगे कितने मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए एनसीएफ से रिलेटेड। इतनी बातें याद रखना मेरे बच्चा लोग, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये बताइए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों को आपको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है, तो कैसे, विशेष विद्यालय में करवाओगे, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा करवाया जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ कराया जाएगा, कि विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, बताइए जल्दी से ऑप्शन बताओ। सब लोगों ने आंसर को ध्यान से नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन को सभी लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा है। भाई मैं चाहती हूँ कि सब आए ना, सबको आना चाहिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक सबकी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। देखो, अरे सोच में मत पड़ो, देखो क्या बात है भाई, कभी कभी गलत वाले भी ऊपर से आ जाए ना, उनको भी लाना चाहिए कि नहीं, कि वो भी आए। तो कब आएंगे वो, जब हम आंसर को गलत देंगे तभी तो वो आएंगे, तो कभी कभी मुझे करना पड़ता है ना वो काम। हाँ अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। हम लोग एक बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, ठीक है। समावेशी शिक्षा क्या करता है, कि सभी को समान शिक्षा, मतलब इसमें जितने भी आपके जो बच्चे होंगे सभी बच्चे को क्या दिया जाता है, समान रूप से शिक्षा दिया जाता है। इसका मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मतलब क्या हुआ, वो अंधे बालक हो सकते हैं, वो विशिष्ट बालक हो सकते हैं, कोई भी उसमें बालक हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम उनके लिए विशेष, अगर हमें इतनी आवश्यकता होगी कि हम उनके लिए विशेष क्लास की प्रयोग करें, जैसे पूर्ण रूप से अंधा बालक हो गया, पूर्ण रूप से बहरा बालक, लेकिन यहाँ पे विशेष आवश्यकता, इन्होंने नहीं कहा कि पूर्ण रूप से वो बच्चा बालक अंधा है, पूर्ण रूप से वो बहरा बालक है। इसका मतलब हम इसको अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देंगे। जितने लोगों ने सी ऑप्शन किया था उतने लोगों का आंसर सही था, लेकिन जितने लोगों ने बी वाला ऑप्शन किया था उनका आंसर गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि भाई इन्होंने बी आंसर किया था, और मैंने बी आंसर को इसलिए टिक किया था क्योंकि भाई मैं चाहती थी कि जो नीचे वाले हैं वो भी थोड़ा ऊपर आ जाएं, एक बार गलत वाले भी थोड़ा सा ऊपर आए ना, उनको भी फर्स्ट सेकंड रैंक थर्ड रैंक पे आने का अधिकार है कि नहीं है, बताओ भाई, सबको समान अधिकार। अच्छा अगला क्वेश्चन, कोई गलत मत करना। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए
सात से तेरह वर्ष के बच्चों के लिए, पांच से ग्यारह और छह से बारह। इसको देखें, बताओ जल्दी से, देखें कितने लोग सही आंसर करते हैं। क्या बात है, आज तो लग रहा है कि मेरे बच्चे बहुत पढ़ के आए हैं। आज सबने कह दिया कि मैम आज आप कुछ भी पूछिए, कहीं से भी पूछिए, आज हम सब पढ़ के आए हैं। ऐसा वाला फीलिंग है क्या आज? कुछ ऐसा ही वाला लग रहा है मुझे। सबने कहा कि मैम बच्चों के निःशुल्क, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो अधिनियम 2009 है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार करता है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए। अगर यहाँ पे क्या हो जाता, अगर यहाँ पे विशेष बालक होता तब उनके लिए क्या ऑप्शन सही हो जाता? अगर यहाँ पे विशेष बालक होता, हमको खुश करने आए, तब बताओ जल्दी से क्या हो जाता? तब 6 से 18 वर्ष हो जाता। जैसे दिव्यांग बालक हो जाते हैं अगर, तो उनके लिए जो अभी क्वेश्चन आया भी था, अगर उनके लिए आपसे पूछता है कि बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिव्यांग बालकों के लिए कब तक लागू किया जाता है, तब आप 6 से 14 नहीं लगाते, तब आप 6 से क्या लगाते, 18 पे लगाते। लेकिन हर बालक के लिए क्या किया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है 2009 में, तो 6 से कितने तक में, 14 पे। एक बार इसका भी रिविजन कर लो फटेफट, बताओ जल्दी से कब शामिल किया गया था संविधान में, शामिल कब किया गया था, बताइए जल्दी से, शामिल कब किया गया था राइट टू एजुकेशन को हमारे संविधान में, शामिल कब किया गया था, बताइए जल्दी से। 2002 में किस संविधान संशोधन के द्वारा, जल्दी से बताइए संविधान संशोधन कौन सा था? क्या बात है भाई, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, गुड, ओके। लागू कब हुआ था ये बताओ, लागू कब हुआ था, इसको लागू कब किया गया था, जल्दी से जल्दी से। हाँ गुड, 1 अप्रैल 2010 में इसको क्या किया गया था, लागू किया। कौन से राज्य को शामिल नहीं किया गया था, राज्य कौन सा शामिल नहीं था, तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया था, शामिल राज्य नहीं किया गया था। और कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया था, जब ये हमारा जो है कौन से आर्टिकल 45 में आर्टिकल में संशोधन किया गया था, और कौन से आर्टिकल को जोड़ा गया था, तो क्या बताओगे? अगर आर्टिकल, तो आर्टिकल 21 ए को क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये कहा गया था कि हर स्कूल में एसएमसी की व्यवस्था होगी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। इसमें से अभिभावक कितने परसेंट अभिभावक रहेंगे, इसमें हमारा हमारा आरटी कहता है कि हर स्कूल में एसएमसी की व्यवस्था होगी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की व्यवस्था होगी, इसमें से 75% कौन होते हैं इसके सदस्य, अभिभावक सदस्य होते हैं। इसमें से भी 50% अभिभावक कौन होती है, महिला अभिभावक होती है, ठीक है, ये बात याद रखना बच्चा। अच्छा एक चीज और बताइए, 1 से 5 तक में कितने दूर में विद्यालय होगा, 1 से 5 तक में, 1 से 5 का जो विद्यालय होगा वो कितने किलोमीटर दूर पे होगा, 1 किलोमीटर के अंदर होगा। और 6 से 8 तक के लिए कितने किलोमीटर तक की बात की गई है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, कितने किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक की क्या की गई है, बात की गई है। चलो अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, अगला बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, समावेशी कक्षा उस विद्यालय व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती हैं, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती हैं, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती हैं, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार देती है, बताइए जल्दी से। रुक जाओ, ऑप्शन दे दें, पोल बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आज तो भाई बच्चे एकदम खुश कर दे रहे हैं हमको, आज तो भाई क्या बात है, क्या मतलब है, आज मैम को एकदम खुश कर दोगे कि मैम ने स्पेशल क्लास मैम को लेना ही पड़ेगा, कि नहीं भाई बच्चों हम आज हम सच में प्लस में हम स्पेशल वाले बच्चों की बहुत तारीफ कर रहे थे, प्लस वाले ये नहीं कह सकते हैं कि प्लस जो है स्पेशल वाले बच्चे भाई बहुत अच्छा लगता है हमें उस क्लास में क्योंकि वो लोग आंसर बहुत अच्छा करते हैं। आज देखो एकदम 51% आंसर सही है, अभी ये हमारे प्लस वाले होते एक भी आंसर ना सही देते। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही
डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इतनी बेइज्जती क्या करें। अगला बताओ, भारत के संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किसके लिए है? सभी छात्रों के लिए है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है, सभी छात्र एवं पौड़ों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है? बताओ जल्दी से बताओ। देखें कौन इसका आंसर गलत करता है, क्या मतलब है, कुछ लोग कसम खा लिए हो क्या? तुम लोग को चाहते हैं ना कि तुम लोग के अंदर वो वाली भावना ना आए कि अच्छा मैं गुड, क्या बात है भाई, इतना तो तुम लोग भाई कभी आंसर नहीं करते हो, 92% 94% ऐसे वाला आंसर तो भाई हमारे स्पेशल क्लास वाले बच्चे ही कर सकते हैं। देखो बिल्कुल सही आंसर है कि भारत के संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो बात की गई है वो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही की गई है। मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 14 वर्ष तक के जो सभी बच्चे उनको कहा जाता है ना निःशुल्क और अनिवार्य, हमारा एक आर्टिकल 51A जोड़ा गया था जिसमें ये कहा गया था कि हर अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने जो है जो उनके बच्चे होंगे उनको क्या करेंगे, विद्यालय भेजेंगे। अगला बताइए, वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कहा गया है, निःशक्त मतलब कि सभी बच्चे को मतलब शिक्षा दिया जाएगा, इसके लिए क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा की बात की गई है, विशेष शिक्षा की बात की गई है, समेकित शिक्षा की बात की गई, कोई शिक्षा की बात नहीं की गई, बताइए जल्दी से। मतलब सभी बच्चे के लिए शिक्षा की बात किसमें की गई है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा की जो बात की गई है वो किसमें की गई है, निःशक्त मतलब समझ रहे हो ना कि आपको निःशुल्क बच्चों सभी बच्चे को समान रूप से शिक्षा किसी के साथ बिना, समेकित का मतलब होता है बच्चा ना विशेष सुविधा बच्चों को देना, बताया भी था समेकित और समावेशी के डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये इसी में आता है, लेकिन उसमें हमें सुविधा मुहैया कराया जाता है। ठीक है, देखो वर्तमान में निःशक्त बच्चे जो हैं उनको शिक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था की है, समावेशी। समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि सभी को समान रूप से जो है, सलमान का सम्मेलन हुआ था उसी में ही आपका समावेशी शिक्षा आया था जिसमें ये कहा गया था कि सभी बच्चे को क्या किया जाएगा, समान रूप से शिक्षा दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव के। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, हमारा जो आईटी एक्ट है 2009 इसके अनुसार ये कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक का प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे योजना बनाकर कार्य कर सकता है, जल्दी से ऑप्शन बताइए, देखते हैं किसका आंसर ये सही होता है, बताओ जल्दी से। ये तो भाई एकदम याद होना चाहिए, प्रति सप्ताह वाला एकदम रटा होना चाहिए बच्चा, गलत नहीं होना चाहिए ये, मैंने कई बार पढ़ाया है, क्वेश्चन भी कई बार करवाया है। आरटी हमारा क्या कहता है कि जो एक शिक्षक होता है वो एक सप्ताह में कितने घंटे काम करेगा, एक सप्ताह में उसका टोटल घंटा कितना होगा, 45 घंटे होते हैं ना, एक सप्ताह में वो कितना घंटा करता है, 45 आर सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हमारा आरटी 2009 है, राइट टू एजुकेशन 2009 है, वो कहता है कि एक शिक्षक जो होगा वो एक सप्ताह में कितने घंटे काम करेगा, 45, और एक दिन में कक्षा 1 से लेके 5 तक का जो शिक्षक होगा वो शिक्षक कार्य कितने घंटे करेगा, बताओ जल्दी से। एक दिन में कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो प्राथमिक स्तर का शिक्षक होगा वो एक दिन में कितने घंटे काम करेगा, 4 घंटे काम करेगा, ठीक है, विद्यालय में। और जो 5 से लेकर ठीक है 8 तक के विद्यालय का बच्चे शिक्षक होगा वो कितने घंटे काम करेगा, तो वो 4.5 घंटे काम करेगा, ठीक है, वो 4.5 घंटे काम करेगा, ठीक। लेकिन अगर आपसे क्या पूछा रहा, प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे योजना बनाकर, अब यहाँ पे प्रति सप्ताह में कुल 45 हो जाएंगे, कुछ लोगों का कहना होगा कैसे मैम सप्ताह में 45 हो गया जब एक दिन में वो 4 ही घंटे काम करेगा, तो बच्चा इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसको और भी तो सारे काम होंगे, और भी सारे काम को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो इसीलिए एक जो शिक्षक होता है वो प्रति सप्ताह में कुल कितने घंटे उसे कार्य करना है, विद्यालय में उसको रहना है, तो 45 घंटे उसको क्या करना है, विद्यालय में रहना है। क्लियर हुआ सभी का, किसी को कोई दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन दिला सोच वाला ऐसे भेज देना, हम समझ जाएंगे कौन कौन सोच में अभी पड़ा हुआ है। और ये बताओ एक साल में कितने घंटे काम करते हैं कक्षा 1 से लेके 5 तक के शिक्षक, एक साल में बताइए, सोच में इतने लोग पड़ गए हो,
एक से लेके पांच तक के जो शिक्षक होते हैं वो एक साल में कितने घंटे काम करते हैं? 800 घंटे. ठीक है, 800 घंटे क्या करेंगे, वो एक साल में काम करेंगे. ठीक है, और 6 से 8 तक के बच्चे जो शिक्षक होंगे वो एक साल में जो काम करते हैं वो कितने घंटे काम करते हैं, तो 1000 घंटे वो क्या करते हैं, काम करते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट सभी का? बताइए जल्दी से. और ये वाला तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका प्राथमिक स्तर पर जो एक शिक्षक होता है वो प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करता है, तो 45 घंटे काम करता है. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि आपका आपकी कक्षा का बच्चा सी का डी तथा डी को सी पढ़े तो वो किस रोग से पीड़ित है? मलेरिया हो गया है उसको, डिसलेक्सिया हो गया उसको, फाइलेरिया हो गया कि टाइफाइड हो गया? देखिए भैया कौन बीमारी होता है, देखिए बच्चा, हम तो सोचे कोई बताएगा कि मलेरिया हो जाता. नहीं, किसी ने बताया कि मैम उसको फाइलेरिया हो जाएगा? भाई किसने बताया, ईमानदारी के साथ बता दो, किसने बताया कि अगर वो सी को डी पढ़ेगा तो उसको फाइलेरिया हो जाएगा? मतलब उसको फाइलेरिया इसीलिए वो सी को डी पढ़ रहा है. किसने भाई आंसर इसका जो है किया हुआ है, सी वाला ऑप्शन किया है? इसमें तो इतने लोग हैं, ढूंढना पड़ेगा हमको कि किसने आंसर जो है इसका जो है सी वाला आंसर दिया है. ये देखो कि सी और डी को अगर इसमें हमें ये मलेरिया फाइलेरिया टाइफाइड तो ऐसे ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये तो तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये तीनों ऑप्शन नहीं सही है, तो बीमारी से रिलेटेड है. और भाई वो सी को डी पढ़ रहा है, डी को सी पढ़ रहा है, इसका मतलब उसको मनोवैज्ञानिक वाली कोई बीमारी है ना. गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, इसका मतलब उसे क्या है, डिसलेक्सिया है. यहाँ पे यही तो एक अलग दिख रहा, और तो सारा ऐसे वाली बीमारी दिख रही है, मलेरिया फाइलेरिया टाइफाइड ये सब आपका है. अच्छा चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देखिए कौन सही करता है. आपकी कक्षा में कुछ अति मेधावी हैं, मतलब कुछ अति बहुत मेधावी छात्र हैं, और आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? कक्षा के बाद पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रम द्वारा पढ़ाएंगे, कि जब चाहेंगे जब मन करेगा तब उनको पढ़ाने लगोगे? बताओ जल्दी से. कुछ बहुत अपने आप को बहुत तेजी खां वाले बच्चे अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत तेज हैं, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा उनको, और ऐसे बच्चे भी हैं वो, तो क्या करोगे उनके साथ? गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग. कहाँ भाई सब सो रहे थे, सोते सोते कहे चलो अच्छा देखा है मैम की क्लास चल रही है क्या? तो क्या करोगे अगर कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो उनको ले जाओगे, जो है कक्षा 4 का छात्र था तो ले जाओगे. अच्छा पता नहीं था क्लास, पता नहीं था, ओके ओके, तो क्या करोगे, ले जाओगे उनको और जो है उच्च कक्षा में बैठा दोगे? कक्षा 4 के छात्र को ले जाओगे 8 क्लास में बैठा दोगे? नहीं बच्चा, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो उसके अंदर एक मतलब अहंकार की भावना आ जाएगी ना, उसको लगेगा अच्छा मतलब मैं इतना तेज हूं कि मुझे 6 के बाद सीधे 8 में बैठा दिया गया. नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो. जब आपको ऐसी जरूरत लगेगी कि भाई इसको मुझे बैठाना चाहिए क्लास में, तब आप उसको बैठाओगे, बिना उसके आप उसको नहीं बैठा पाओगे. क्या करोगे आप ऐसे ऐसे कार्यक्रम पर, अब देखो उसको कक्षा के बाद पढ़ाओगे तो और छात्रों में ये निगेटिव वाली भावना आएगी, क्योंकि आप तो एक शिक्षक हो, आपके लिए सारे बच्चे समान रूप से हैं, आप किसी बच्चे को विशेष स्थान नहीं दे सकते हो, तो पहला ऑप्शन तो इस आधार पर नहीं होगा. उच्च कक्षा के साथ पढ़ाओगे, ये भी एक निगेटिव थॉट को दर्शा रहा, जब चाहोगे जब हमारा मन करेगा, नहीं बल्कि आप ऐसे ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करोगे, जैसे आप कोई क्विज की करवाओगे, कोई प्रतियोगिता का आयोजन करवाओगे, कुछ ऐसे ऐसे कार्यक्रम करवाओगे जिन्हें क्या करेगा वो बालक, उसमें एक्टिव रहेगा, उसकी उसको ये भी दूसरे बच्चे भी नहीं उससे डिस्टर्ब होंगे, वो बच्चा भी उसमें भाग ले पाएगा. तो समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा हम वो काम करवाएंगे बिना किसी भेदभाव के, ताकि होगा तो ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा. एक टीचर बनना ना बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. जब टीचर बनोगे ना तो समझ लेना कि जब ऐसे कहेंगे बच्चे ना कि हम गुड मॉर्निंग बोले थे और आप हमारा देखी नहीं थी, गुड मॉर्निंग हमको कही नहीं थी, तो समझ लेना फिर क्या बताएं अब. उसके बाद वाली कौन सी फीलिंग आती है. अगला बताओ, नवीन ज्ञान. ये तो बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है. नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की जो प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया है.
यह कथन किसका है, थ्रोनडाइक का है, वुडवर्थ का है, गेने का है या फिर हल का है? नवीन ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कई बार प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को जो अर्जन करने की प्रक्रिया है वही आपकी अधिगम प्रक्रिया है, वही आपकी सीखने की प्रक्रिया है। ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो भाई ये कथन किसका है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है जितने लोगों ने बी वाला आंसर दिया है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ ने कहा था ये बात, ठीक है। वुडवर्थ ने कहा था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम। अच्छा ये बताओ, थ्रोनडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए थे? थ्रोनडाइक ने सीखने का कितना नियम दिया था बताओ? थ्रोनडाइक के सीखने के नियम कितने थे बताइए? बिल्कुल सही, जब आपसे क्या पूछा जाएगा, थ्रोनडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे, ठीक, तब आप 8 लगाओगे। तब बच्चा कभी भी 3 भी दिया रहेगा आपके ऑप्शन में, 5 भी दिया रहेगा, तो कभी गलती से मत लगाइएगा। जब आपसे थ्रोनडाइक के सीखने के नियम पूछेगा तब आप 8 बताओगे। जब आपसे पूछेगा सीखने के मुख्य नियम कितना उन्होंने बताया था, जब आपसे मुख्य नियम पूछेगा तब आप बताओगे 3। इन्होंने क्या दिया था? मुख्य नियम दिया था, ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और जो है 5 इन्होंने क्या दिया था? गौड़। जब आपसे पूछेगा गौड़ नियम, थ्रोनडाइक ने गौड़ नियम कितने दिए थे, तब आप बताओगे इन्होंने 5 क्या दिया था? गौड़ नियम दिया था। खाली नियम पूछेगा तो 8, मुख्य नियम पूछेगा तो 3, और गौड़ नियम पूछेगा तो क्या बताओगे? 5 गौड़। और गैने ने कितने सीखने के नियम दिए थे बताओ जल्दी से? गैने ने सीखने के नियम कितने बताए थे? गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, गैने ने कितने दिए थे नियम? बिल्कुल सही, गैने ने अधिगम के जो नियम बताए थे वो कितने बताए थे? वो बताए थे 8 बताए थे। जब इनसे पूछेगा, गैने का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बच्चा सिक्वेंस बहुत पूछा जाता है। सबसे पहला क्या था इनका बताओ जल्दी से? सबसे पहला क्या था गेने का बताइए? गेने का सबसे पहला क्या था सीखने के नियम में? सबसे पहला नियम कहाँ गए भाई सभी लोग? आंसर तो जो लोग आंसर कर सकते हो वो लोग करो, पढ़े हो ना। सबसे पहला था संकेत, ठीक है, फिर सबसे अंतिम वाला क्या था? समस्या समाधान, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, अगला बताओ। तत्परता का नियम किसने दिया था जल्दी से बताओ? तत्परता का नियम, क्या बात है भाई, तत्परता का नियम किसने दिया था? अभी बताया था तब भी देखो ऐसे गलती हो रही है, अभी क्वेश्चन बताया था तब भी इतना गलती। 10% लोग ए आंसर दे रहे हैं, 2% लोग बी आंसर दे रहे हैं, 7% लोग डी आंसर दे रहे हैं, बाकी के 81% लोग सी आंसर दे रहे हैं इसका। भाई तत्परता का नियम, जिसको हम तैयारी का नियम भी कहते हैं, और तत्परता का नियम या तैयारी का नियम किसने दिया था? थ्रोनडाइक ने ही तो किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि व्यक्ति का नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम कोई चीज सीखने के लिए तैयार होते हैं ना, तब जब हमें कोई चीज सिखाया जाता है, कोई चीज पढ़ाया जाता है, या फिर हमारी जो शारीरिक रचना क्रिया प्रणाली होती है वो जब किसी चीज को सीखने के लिए तैयार होती है और जब उसको कोई चीज सिखाया जाता है तो उस चीज को वो बहुत जल्दी सीखता है कि नहीं भाई? अगर आप तैयार हो सीखने के लिए तब अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो आप बहुत जल्दी सीखोगे, लेकिन यदि आप तैयार नहीं हो सीखने के लिए और फिर अगर हमने आपको पढ़ाया तो आप वो चीज कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो तत्परता का नियम या फिर तैयारी के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो बताओगे थ्रोनडाइक थे। ओके चलो, इसको एक नाम से और भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? तैयारी का नियम कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा सूत्र आपका होता है? तो इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, ये सूत्र काम आता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सूत्र काम आता है, ठीक है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जिसमें हम आपको तैयार कर लें पहले से कि अब आप तैयार हो गए, अब हम आपको पढ़ाना शुरू करें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ।
सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड है, स्किनर है, थ्रंडाइक है या फिर एडलर है? बताइए जल्दी से, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? बताइए। डी वाला कैसे रह गया? जरा कोई डी वाला भी लगा दो भाई, अभी इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, देख लो ऐसे गलती करते हो, सही बता रहे हैं। तब ये समझ लो कि जितना मैं खुश होती हूँ ना उतना ही गुस्सा लगती है। फिर मैं बताई थी अभी ना, फिर भी कैसे गलत हो रहा, अभी बताया। तीन चार क्वेश्चन कर चुके हो सीखने से, चार पांच क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी आपका 21% लोग इसका बी आंसर दे रहे हैं, 10% लोग इसका ए आंसर दे रहे हैं, 1% लोग इसका डी आंसर दे रहे हैं। कैसे भैया, कैसे ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? तो क्या है, सीखने के नियम के जो प्रतिपादक है, जिन्होंने सीखने का नियम दिया था, वो किसने दिया था? थ्रंडाइक ने दिया था, जिसने कितने आठ नियम बताए थे सीखने के, जिसमें से तीन इनका मुख्य नियम था, पांच इनका गौण नियम था, अब मत भूलना, ठीक है? अच्छा लग गया था गलती से, चलो कोई बात नहीं। अगला बताइए, अधिगम में व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित में से है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या फिर उपर्युक्त सभी? व्यवहारिक विज्ञान से मतलब व्यवहार के विज्ञान से कौन कौन संबंधित है? व्यवहारिक विज्ञान से कौन कौन संबंधित है? देखो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन तो सही ही है। प्रबलन हल का जो सिद्धांत था वो भी व्यवहार पर ही डिपेंड था। इसमें पूछ रहा है व्यवहारिक सिद्धांत मतलब व्यवहार को लेकर किसने बात करी थी, ठीक है? आप जानते हो कि जो है आपका जो अधिगम होता है, अधिगम के जो सिद्धांत, उनको दो भागों में बांटा गया, एक व्यवहारिक के आधार पर, एक ज्ञानात्मक ज्ञानार्जन के आधार पर बांटा गया है। इसमें एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करते हैं, और एक कहा जाता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अलावा एक आप में होता है कि आप उस कार्य को क्यों करोगे, कैसे करोगे। तो आपका क्या हो जाएगा, अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जिसमें क्या हो जाता है, अगर आप कोई कार्य करते हो, अगर उसके साथ आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो आप उसका साथ उसके साथ आपका संबंध बन जाता है, एक मतलब एक आपके व्यवहार में वो आ जाता है। स्किनर तो है ही भाई, व्यवहार के वो है ही, उनपे तो नो डाउट, कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। तो आपका स्किनर भी व्यवहारवादी ही है, हल भी आपके व्यवहार, प्रबलन का सिद्धांत किसका था, हल का था, तो भाई ये तीनों सिद्धांत है, तो इसीलिए एक इसमें ऑप्शन दिया है आपका डी ऑप्शन है। तो भाई हम तो भाई यही वाला हमको ऑप्शन सुंदर लग रहा है, तो जो ऑप्शन सुंदर लगे भैया उसी पे टिक कर दिया करो। अगला बताओ, सीखने में से वे कौन से कारक है जो सीखने के सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर, उत्सुकता और इच्छा की, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? सीखने का वो कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है? क्या बात है भाई, क्या बात है, गुड, बहुत सही, हाँ बिल्कुल सही। देख लो ये क्वेश्चन आपके, ये देखो प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चंस हैं। अब मुझे लग रहा है कि सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, गुड वाली तैयारी चल रही है, ऐसे ही तैयारी करो। सीटेट विटेट क्या है? सीटेट विटेट तो ऐसे ही निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा उसमें, ऐसे ही अगर तैयारी चलती रही। अब देखो सीखने में कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है, ये पूछ रहा है। तो भाई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल प्रभावित करता है आपका। अगर आपको कहीं पे, अगर मान लीजिए कि आपको चोट लगी है, ठीक है, हाथ में कहीं कट का निशान लग गया, वो दर्द कर रहा है, तब आपको जो चीज कोई पढ़ा रहा होगा वो आपको नहीं समझ में आएगा उतना। आपका पैर बहुत दर्द कर रहा, आपका सर बहुत दर्द कर रहा, तब भी आपके लिए वो प्रभावित कर रहा है आपको। मानसिक स्वास्थ्य मतलब कोई ऐसी बात है जो आपके दिमाग में खटक रही है, वो भी आपको प्रभावित करेगी। प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर, अगर आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं रहेगा, ठीक है, बार बार आपके अंदर एक निगेटिव थॉट दर्शाए, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अगर यही बार बार कोई कहेगा ना, तो सच में बता रहे हैं आप कर भी सकते हो तो नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई आपसे खाली इतना, अगर कोई आपको मोटिवेट करे ना कि कर सकते हो, कर सकते हो,
जो काम आप नहीं भी कर सकोगे वो भी आप करके दिखा दोगे। जैसे कहते नहीं है, अगर कोई आपसे कहा कि आईएएस बन सकते हो, बन सकते हो, बन सकते हो, खाली कोई आपको मोटिवेट करे और कोई सपोर्ट वो आपका ना करे, खाली आपके अंदर एक मोटिवेशन दिन रात वो आपको बस एक कहते नहीं टानिक का एक बस देता रहे एक चम्मच कि कर सकते हो बच्चा, तो आप कर ले जाओगे। तो ये भी उत्सुकता और इच्छा शक्ति, जो आपकी इच्छा होती है, जो आपका कुछ करके सीखने का जो आपका जज्बा होता है, ये भी अगर इसकी कमी हो गई आप में, आपका एकदम मन ही हट गया, बार बार हीनता ही आपके मन में अगर भरा जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो आपके सीखने को बहुत प्रभावित करेगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें, ये सारे कारक ऐसे हैं जो आपके सीखने को क्या करते हैं, प्रभावित करते। तो इसीलिए आपका उपयुक्त कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सभी। अगला बताओ, प्रयास और त्रुटि। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नेगेटिव वाला मोटिवेट करती हैं। एक होता है ना, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है और एक नेगेटिव वाला होता है, तो वो नेगेटिव वाला करती हैं आप, तो तुम्हें और करना चाहिए, वो भी आपका मोटिवेशन ही होता है, लेकिन वो नेगेटिव वाला होता है। जब कहो यस हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, अब तो करके ही दिखाना पड़ेगा ना नीतू, अब तो पक्का दिखाना पड़ेगा। प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अभ्यास है, प्रेरणा है, बात एवं विवाद है, या फिर लक्ष्य है? मम्मी और पापा, ये दोनों लोग का तो मतलब है वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाला ही करते हैं, वो तो आपको मोटिवेट ही करते हैं, उनका वो लक्ष्य होता है आपको मोटिवेट करना। जैसे कुछ अड़ोसी पड़ोसी होते ना, रिश्तेदार होते हैं, वो लोग बड़ा मतलब आपको, चलो बताओ जल्दी से क्या बात है भाई। प्रयास और त्रुटि मतलब कोई कार्य करोगे उसमें गलतियां करोगे, ठीक है। प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अभ्यास ही सबसे महत्वपूर्ण है ना। कोई चीज आप कब कैसे कब गलती करोगे, जब आप पढ़ना ही छोड़ दोगे, जब आप ये सोच लिए कि भाई अब मुझे एग्जाम ही नहीं देना है, अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, जो मेरे किस्मत में होगा वही, ठीक है, क्या है जो हमारी किस्मत में होगा वही हम करेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो भाई वो तो भाई किस्मत के भरोसे तो कुछ नहीं हो सकता है ना। आप प्रयास करिए, आपसे गलतियां होगी, जब आप गलती करते हो तो आप सीखोगे। जैसे यहाँ पे आप आंसर कर रहे हो ना, अब मान लीजिए आपको गलत आंसर आपको नहीं आ रहा, आपने टिक किया फिर भी आपने किया, अब जब उसको आप एक बार एक्सप्लेन कर दिए हमने, आपको वो चीज समझ में आ गया, अब अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाएगा ना, तो दिमाग में एक बार क्लिक करेगा कि अरे इसको तो पढ़ा था, अब कभी गलत नहीं होगा। अब कभी पूछ लिया जाएगा प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यही बताओगे कि अभ्यास है। जब तक हम किसी चीज का अभ्यास नहीं करते तब तक हम गलती कहाँ करेंगे, और जब हम गलती नहीं करेंगे तो फिर हम सीखेंगे कैसे। तो पहला वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही है आपका, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक जो गृह कार्य देता है कि घर से करके ले आना, जिसको आप होमवर्क कहते हो, उसको होमवर्क की जांच करनी चाहिए, कभी कभी करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, नियमित करनी चाहिए, जब छात्र कहे तब करनी चाहिए, बताइए जल्दी से। देखिए कौन कौन चाहता है भाई, कौन कैसा चाहता है, क्या चाहता है कि टीचर को क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। कभी नहीं चेक करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए ना, हाँ भाई कभी, ताकि जो है हम आराम से अपना बैठें। भाई सही सही बता दो, कौन लिखा है कि टीचर को कभी नहीं करना चाहिए, बच्चे को ज्यादा परेशान नहीं करना। वो वाला वीडियो देखा नहीं है कि मुझे एक महीने ना स्कूल वाले जो है वो क्या कहते हैं, स्कूल वाले, बस मैं एक महीने के लिए स्कूल से छुट्टी चाहता हूँ, वही वाली हमको लग रहा है फीलिंग है। भैया कभी ना करें कि हमको बच्चे का होमवर्क ना करवाना पड़े, तो ये तो नहीं होगा भाई। शिक्षक को गृहकार की जांच क्या करनी चाहिए, नियमित रूप से करनी चाहिए। अगर नियमित रूप से आप गृहकार की जांच नहीं करोगे ना, शिक्षक नहीं करेगा, तो पता चलेगा कल से वो होमवर्क ही नहीं करके लाएंगे, कल से कहेंगे बस रहने दीजिए अब तो हमें करना ही नहीं है। तो इसीलिए शिक्षक को गृहकार की जो जांच है वो नियमित रूप से करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। क्या लिखे हो, चलो दिखाओ। अगला बताओ, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है, आत्मसम्मान पर नहीं पड़ता है, सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता है, उच्च संस्थान पर नहीं पड़ता है, बताइए भाई किस पर नहीं पड़ता है।
एक मिनट रुको, चार्जर को ऑन कर लें। क्या बात है भाई, आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, बताइए जल्दी से, किस पर नहीं पड़ता है पूछ रहा है, नहीं पड़ता है ये नहीं पूछ रहा है। कुछ लोग भाई बहुत दूर की सोच चुके हैं, बहुत दूर की सोचे हैं कि मतलब आत्मसम्मान पर तो नहीं पड़ना चाहिए अपना। भाई देखो यहाँ पे क्या है, आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर जो है नहीं पड़ता है, आत्मसम्मान पर तो बिल्कुल पड़ता है बच्चा, ठीक है अपनी जगह वो भी सही सोच रहे हैं, लेकिन देखो हमारे मनोविज्ञान की दृष्टि से आत्मसम्मान पर बिल्कुल पड़ता है। जैसे आज के टाइम में जो बात फैक्ट है, जो बात एकदम फैक्ट है कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास पैसा है तो भाई सब कुछ है आपके पास, ठीक है आपके पास नेम है, आपके पास फेम है तो भाई सब कुछ है, नहीं है तो कोई वो नहीं है। आप कितना, आपको सबसे ज्यादा जो आपके आर्थिक स्तर का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा वो सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ेगा। अगर आपने किसी चीज का आपने उद्देश्य बना लिया है कि भाई मुझे आईएएस बनना ही है, मुझे टीचर बनना ही है कैसे भी करके, वहां पे आपका आर्थिक स्तर कोई मायने नहीं रखा। एक बार सोच लिया कि भाई सीटेट क्वालिफाई करना है, अब कैसे करना है उससे नहीं मतलब है, तो वहां पे आपका आर्थिक स्तर, अब आप जितनी मेहनत कर सकते हो 24 घंटे आपको भी मिले होंगे, 24 घंटे सबको मिलते हैं, अब इसी को आप किस तरह से करते हो, कैसे पढ़ते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका बी वाला जो ऑप्शन है, आर्थिक स्तर जो होता है इस पर आप कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपके सीखने की क्षमता, आत्मसम्मान पर बिल्कुल पड़ता है, उच्च संस्थान पर प्रवेश तो भैया बहुत पड़ता है। किसी आप देखते नहीं आजकल के एक से एक पढ़ने वाले बच्चे वो नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ पाते कि भाई उनका जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। पता चलता है MBBS में एडमिशन हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया, फिर भी ऐसी कंडीशन कभी कभी आ जाती है भाई वो नहीं उतना कर पा रहे हैं, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, छोड़ना तक पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, ये सारे मतलब पढ़ते हैं इन सब पे, खाली इस पे नहीं पड़ता है, तो बी वाला ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से कौन सा कथन सबसे अच्छा है, आपकी दृष्टि से अपना अपना बताइएगा पॉइंट ऑफ व्यू। विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां जो गलतियां होती हैं वो अधिगम की प्रक्रिया का भाग है, जो आपकी विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, ऑप्शन सही होगा। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सबसे अच्छा है। आज तो भाई स्पेशल वालों ने एकदम पूरा 99% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, नहीं 97% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, बाकी कुछ लोगों ने सी आंसर दिया है। गुड, क्विज कराई, हाँ बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका अधिगम की एक प्रक्रिया, जब आप गलती करते हो तो आप गलतियों से क्या करते हो, सीखते हो, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। चलो, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या, मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक है उसकी विशेषता पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है जाओ कराओ। संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, जो उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, कि आपका डी वाला ऑप्शन क्या है भाई, डी वाला ऑप्शन बता देना। बताओ जल्दी से, सबको दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन सारे,
एक बात बताओ, मानसिक रूप से जो स्वस्थ टीचर होगा ना, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? ठीक है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए कि उसे उसके उसे विषय पर विषय का बहुत अच्छा ज्ञान हो, ये उसकी विशेषता होनी चाहिए? नहीं भैया, उसको कितना भी अच्छा ज्ञान होगा लेकिन अगर उसको अपने ऊपर कंट्रोल करना नहीं आता होगा ना, क्योंकि बच्चा भाई आपसे टीचर से 100 बार पूछेगा और टीचर से अगर वो 10 बार पूछेगा तो एक टीचर का कर्तव्य होता है कि उसको 10 बार बताना पड़ता है उसको, जितनी बार जब तक कि उसको समझ में नहीं आता है। तो कभी कभी टीचर को ना अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, कभी कभी वो बहुत इरिटेट हो जाता है, लेकिन भाई वो थप्पड़ नहीं मार सकता वरना सीधे बेचारे के जेल में जाना पड़ जाएगा, नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। तो इसीलिए क्या होता है, उसे संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना पड़ता है कि वो अपनी संवेदनाओं को क्या कर सके, कंट्रोल कर पाए। तो इसीलिए ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता पूछ रहा है ना, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। डाल्टन शिक्षण जो है विधि का विकास किसने किया था? डाल्टन शिक्षण पूछ रहा है भैया। फ्रोबेल ने किया था, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ने किया था, मिस हेलेन पार्क हस्ट ने किया था कि डाल्टन ने किया था? देखिए कौन इसका आंसर सही देता है। इसका तो बहुत इजी सा आंसर था। अच्छा एक बात बताओ, किसने किया था, इसका आंसर कौन सा सही होगा? शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? इसका आंसर डी नहीं सही होगा। ठीक है, डाल्टन ये बच्चा एक जगह थी, ठीक है, ये एक जगह थी, ठीक। और इसका आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला, मिस हेलेन पार्क हस्ट ने किया था। ठीक है, आखिर लास्ट वाला भी टॉप में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं इसलिए इसका आंसर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि इसका कौन है, जो डाल्टन शिक्षण विधि के थे वो क्या थे, वो मिस हेलेन पार्क हस्ट ने डाल्टन शिक्षण विधि दिया था, और ये डाल्टन एक जगह जगह था जहां पे इन्होंने ये शिक्षण विधि दिया था, इसीलिए इस विधि का क्या नाम पड़ा था, डाल्टन शिक्षण विधि के नाम से जो है। हाँ, मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मुझे पता था कि सभी लोग इसका आंसर डी, जिस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन है ज्यादा ना वही। चलो ये मैंने लिखवाया भी है सभी को, भाई आप लोग इतनी गलती करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अगला बताओ, बच्चा किस प्रकार से सीखता है? पुस्तकें पढ़कर सीखता है, परिचर्चा करके सीखता है, प्रश्न पूछकर सीखता है, कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया भाई, पढ़ो इसको। यहाँ पे क्या दिया, कई प्रकार से सीखता है, तो बताओ जल्दी से किस प्रकार सीखता है बच्चा। यहाँ पे ये फोर्थ वाला ऑप्शन क्या दिया है, एक बार मुझे दिख नहीं रहा फोर्थ वाला ऑप्शन, आप लोगों को दिख रहा है फोर्थ वाला ऑप्शन, कई प्रकार से दिया है यहाँ पे। अच्छा रुक जाओ, ओके ओके, चलो बताओ जल्दी से बच्चा किस प्रकार सीखता है। हाँ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बच्चा किस प्रकार से सीखता है? वो कई पुस्तक पढ़कर भी सीख सकता है, परिचर्या करके भी सीख सकता है, प्रश्न पूछ कर सीख सकता है, खेल करके सीख सकता है, मतलब कई तरह से वो हर चीज से होता है ना, सीखना क्या होता है, औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। तो इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं भाई सभी का? किसी को कोई डाउट है तो बता देगा कि मैम डाउट है, यहाँ तो सभी का क्लियर है सभी सब कुछ, बताइए भैया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला बताइए। एक बच्चा है, अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, ठीक है, यह कथन किससे संबंधित है? बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
सीखने के सादृश्यता नियम को, सीखने के प्रभाव के नियम को, सीखने की प्रक्रिया में अभिवृत्ति नियम को, कि सीखने की तत्परता को नियम को, बताइए भाई जल्दी से। बहुत ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ा होता ना, इसमें नहीं गलत दिया है पोल, हरदम पोल नहीं गलत देंगे, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूज होगे उसी में देंगे। एक बात बताओ, जब आप कोई चीज, मतलब पिछले आप कोई चीज किए हो, ठीक है, अब नई परिस्थिति में आप आए, आपको वो कार्य करना है, तो आप किस आधार पर करोगे? आप उसी के आधार पर तो करोगे, मतलब इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया। मतलब अगर आपने, मान लीजिए कि आपने क्या किया, अगर आपको हम टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप जैसे पहले किए रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आपको स्कूल टाइम में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, आप कितना भी वो ट्रिक वाला सीख लेंगे ना, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आप वही वाली प्रक्रिया अपनाते हो जो आपने पिछला वाला करके उस क्वेश्चन का आंसर किया था। जैसे आपने क्या है, जब तक अगर आपको गुड़ा दे दिया तीन ना, जब तक ये वाला करके नहीं देखते हो, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होते हो कि क्या सही में इसका आंसर आ रहा है, जो बात फैक्ट है वो बता रहे हैं। तो जब आप कोई चीज करते हो, जब नई परिस्थिति, उसको कहते हैं सादृश्यता का नियम, मतलब उसके समान आपने कार्य किया। वही चीज तो यहाँ पे कह रहा है कि समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, या कथन किससे संबंधित है, तो सीखने के सादृश्यता के नियम से संबंधित है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अच्छा, अगली बार से हिंदी में भी दे दिया करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं सभी का? और बच्चा, प्रभाव का नियम तो प्रभाव डालता है ना, ये तो होगा ही नहीं। प्रभाव का नियम, प्रभाव जिसमें जो है पुरस्कार की बात की जाती है, तत्परता के नियम, अभिवृत्ति का नियम, कोई नियम है नहीं। तो ये आपका जो है सादृश्यता का नियम, इनका उपनियम है, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है, नहीं मानना चाहिए, ये पूछा गया है, जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापारिक प्रक्रिया, मतलब व्यापार प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्यमुखी है, बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है, विशेषता नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग इस क्वेश्चन में, मुझे पता है कहां से, विशेषता नहीं मानना चाहिए, मतलब देखो, नहीं पूछ रहा है ना, नहीं ऑप्शन दिया है ना, हाँ तो नहीं दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि नहीं दिया, मतलब शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ये आपका क्या है, निगेटिव पूछा था, नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापार प्रक्रिया, व्यापार मतलब समझ रहे हो, व्यापार का मतलब होता है कि एक जो शिक्षक होता है वो अपने शिक्षार्थी को ज्ञान देता है, ठीक है, ज्ञान देता है कि नहीं देता, वो उसको सिखाता, यहाँ पे वो व्यापार नहीं है, बेचना और खरीदना वाला व्यापारिक प्रक्रिया नहीं। आप इस क्वेश्चन को जब इंग्लिश में देखोगे ना, तो इसका वो अर्थ नहीं है जो आपको हिंदी में वो निगेटिव वाला दे रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल है कि आप वहां पे आप चीजों को सीखते हो, वो आपको सिखा रहा होता है, आप टीचर से मतलब बहुत कुछ सीखते हो, तो ये एक प्रक्रिया, सीखना एक व्यापार प्रक्रिया है, ये सही है आपका, सीखना लक्ष्यमुखी होता है बिल्कुल, लेकिन शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त नहीं। अधिगम तो आपका क्या होता है, शैक्षिक भी होता है और गैर शैक्षिक भी होता है ना, औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है, तो यहाँ पे ये नहीं है और बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या है, सही है। क्लियर हुआ सभी का? यहाँ पे बच्चा व्यापार का मतलब ये नहीं है, बेचना और खरीदने से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे व्यापार का मतलब है कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्या करता है, ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान को आप क्या करते हो, बांटता है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। मतलब हिंदी इंग्लिश में जब आप देखोगे अर्थ वही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी का ये पॉइंट, बताइए जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? साधनात्मक अनुबंधन, क्रियाप्रसूत अनुबंधन, ए और बी की उपर्युक्त में से कोई नहीं।
रुक जाइए, बताओ जल्दी से। अच्छा ये बताओ, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था जो स्किनर ने दिया था, उसको क्या है बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है कि नहीं जाना जाता, उसको साधनात्मक कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको आर्य सिद्धांत कहा जाता है, उसको सक्रिय अनुबंधन कहा जाता है, उसको व्यापारिक अनुबंधन, उसको नैमित्तिकवाद कहा जाता है, उसको कार्यात्मक प्रतिबंधिता कहा जाता है, बहुत सारे नाम से जाना जाता है, आप जानते हो ना। तो सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है किसने दिया था इसको, स्किनर ने दिया था, ठीक है, कब, इन्होंने इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, आप सभी को पता है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर भी प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर इन्होंने जो प्रयोग किया था वो 1938 में किया था और कबूतर पर इन्होंने जो प्रयोग किया था वो 1943 में किया था। और ये किसके, आपसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्किनर का जो ये सिद्धांत था वो थ्रंडाइक के किस नियम पर आधारित था, थ्रंडाइक का वो कौन सा नियम था जिस पर स्किनर का सिद्धांत आधारित था, तो थ्रंडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था। याद रखिएगा, प्रभाव के नियम पर ही स्किनर का जो ये सिद्धांत था, जो उन्होंने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था अपना, वो आधारित था। और इसे कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे देखो कभी भी अगर आपसे पूछेगा SR सिद्धांत किसका है, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी किसकी है, तब आप थ्रंडाइक का नाम बताओगे। लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछेगा आर्यस सिद्धांत किसका है, ठीक है, आपका क्या है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस सिद्धांत किसका है, तो आप स्किनर का नाम बताओ, क्योंकि इन्होंने जो एक आपका आर्यस सिद्धांत था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थी, उसको बदल कर इन्होंने उसको क्या नाम दे दिया था, आर्यस नाम दे दिया था। कार्यात्मक आपसे पूछेगा, साधनात्मक आपसे पूछेगा, सक्रिय अनुबंधन आपसे पूछेगा, क्रिया प्रसूत आपसे पूछेगा, नैमित्तिक आपसे पूछेगा, कोई भी ऐसा नाम देगा। और इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, पुनर्बलन शब्द दिया था ना, रेनफोर्समेंट, जिसको आप कहते हो कि ये बाह्य उद्दीपक है जो किसी चीज को करने के लिए आपको क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ए और बी दोनों सही होगा, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ सभी का। अगला क्वेश्चन बताइए मुझे, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा एक भूखे चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया, स्किनर के द्वारा किया गया, वॉटसन के द्वारा किया गया, पावलोव के द्वारा किया गया, कि कोहलर के द्वारा किया गया, बताइए जल्दी से, किसके द्वारा किया गया था एक भूखे चिंपैंजी पर। ये तो क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने एक भूखे चिंपैंजी पर, तो भूखे चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था, कोहलर ने प्रयोग किया था ना, चिंपैंजी पर किसने किया था, कोहलर ने प्रयोग किया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अगर नाम पूछा जाए, कुछ आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, नाम क्या था उसका, सुल्तान था ना, इन्होंने सुल्तान किया था, जिसमें इन्होंने दो तरह का प्रयोग किया था, एक को क्या किया था कि बाहर केले का ढेर रखा था, छड़ी रखा हुआ था जिसपे, और दूसरा क्या किया था कि ऊपर जो है उन्होंने केले को टांग दिया था और नीचे बहुत सारे बॉक्स को रख दिया था। तो क्या था, कोहलर ने ही तो वो प्रयोग किया था भूखे चिंपैंजी पर, जिसमें सूझ का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गेस्टाल्ट कहाँ का शब्द है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गेस्टाल्ट दो है वो शब्द कहाँ का, वो जर्मन का एक शब्द है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जर्मन का एक क्या है शब्द है, कोहलर, कोफा, बर्धिमर, ये सब इससे क्या थे, रिलेटेड थे, ठीक है। और इसमें क्या करता है, इसमें व्यक्ति के सूझ को जोड़ दिया जाता है कि आपके सामने कोई समस्या अगर उत्पन्न हो जाता है तो उस समस्या को निकलने के लिए जो आप अपना दिमाग लगाओगे, जो आप सोचोगे समझोगे, उसी सारी बातों को क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो बताइए यहां तक किसी को किसी क्वेश्चंस में डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, बताइए जल्दी से, यहां तक सभी को समझ में आया। बताइए कौन सोच में पड़ गया, किसको नहीं समझ में आया कुछ, बताइए भाई किसको नहीं समझ में आया। अभी आज एक और आपकी क्लास है, ठीक है, आप लोग क्लास को अटेंड करिएगा, उसमें भी हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके। अभी इसके बाद एक और स्पेशल क्लास है ना, टाइम कितने बजे है आपकी ये सेकंड वाली जो स्पेशल क्लास है, अभी है शायद 7:30 बजे से है ना,
ओवरऑल तो मुझे नहीं दिखाता है, ओवरऑल नहीं दिखता है क्या? चलो, और अगर किसी को भी, आपको पता है ना कि अभी आपका जो है क्लास स्टार्ट होने वाला है, क्लास आपके स्टार्ट होने वाली, टेट के लिए एक बैच स्टार्ट होने वाला है आपका, टेट जो 22 तारीख को है, उसके लिए एक नया बैच अनअकैडमी पर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? 2 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, जिसमें आपको बहुत सारे टीचर आपको बैच कोर्स के रूप में पढ़ा रहे हैं, और आपके सीटेट जो जुलाई है वाला सीटेट आने वाला, उसके लिए भी आपको 1 जनवरी से जो है इनरोल कर लिया है, 1 जनवरी से वो उसका भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा प्लस पर, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है, बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। और अगर आप ये मेरा कोड यूज करते हो, तो आप अगर कोर्स को परचेस करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। और अगर आप लेना चाहते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कोई भी जानकारी लेना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपके जो भी क्वेरीज होगी उसको, मैं आपको डाउट्स जो भी होंगे उनको मैं आपको दूर करूंगी, ठीक है? एक ईयर का, चलो गुड, ओके फिर, थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।